क्या आपको पता है दुनिया में हर इंसान की ऐसी मौत हो सकती है जिसमें रूम में लेटे लेटे इंसान खत्म हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, बिना किसी हार्ट अटैक के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी भी कारण के। ऐसा कैसे हो सकता है? घर में पानी गर्म करने वाला गीजर है तब तो ये जरूर सुन लेना, ये जानकारी आपकी जिंदगी बचा सकती है। और क्या आपने कभी सोचा है किसी भी शुभ कार्य या फिर दान में 100 रुपए या फिर किसी भी रकम के साथ 1 रुपए जोड़कर क्यों दिया जाता है? जैसे 100 में 1 रुपए जोड़कर 101, 1 रुपए ना जोड़ने से ये आप शगुन क्यों माना जाता है? यकीन मानो इसका लॉजिक जब आप सुनोगे तब मजा आ जाएगा आपको। और आप दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वीडियो उठा लो, स्पेस स्टेशन के अंदर आपको एक भी नहीं, एक भी मतलब एक भी चाइनीज इंसान नहीं दिखेगा। सारे देशों ने मिलकर जिस चीज को इंसान के कल्याण के लिए बनाया है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके अंदर कोई भी चाइनीज इंसान का घुसना अलाउड क्यों नहीं है? चाइनीज पूरी तरह से बैंड क्यों है? ऐसे इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 1.25 सेकंड्स लगेंगे, और चलो हम लाखों लोग मिलकर चलते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के सफर में। फैक्ट नंबर 3, ये मेरे चैनल के सबसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स में से एक है। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर्स को कई होटल रूम्स में देखा होगा। कई शहरों में तो ये डिवाइस फिट करना कंपलसरी होता है। ये डिवाइस हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा को डिटेक्ट करता है और ज्यादा पाए जाने पर अलार्म बजने लगता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। तो सुनो, पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग मरते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के चलते, एक ऐसी मौत जिसमें इंसान की कोई गलती नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रूम में आने से सिर्फ 20 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका ना कोई स्मेल होता है, ना कोई कलर होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है। ये एक इनविजिबल किलर यानी अदृश्य हथियारे के जैसा होता है। अजीब बात ये है कि जब नॉर्मल घर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगती है, डेंजरस लेवल पे पहुंच जाती है, तो किसी को पता ही नहीं चलता और कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि आप बता पाओ कि अभी आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या नहीं। नो स्मेल, नो टेस्ट, नो कलर, नो प्रेजेंस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके घर के बाथरूम के पानी गर्म करने वाले गैस गीजर से भी निकल सकता है, जनरेटर से निकल सकता है। और मान लो कोई बंद किचन है और उसमें नॉर्मल एलपीजी गैस जल रहा है जो सबके घरों में होता है, और किचन में कोई वेंटिलेशन ना हो तो किचन की हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे मौत कैसे होती है ये समझाता हूं। मान लो आपका दोस्त एक होटल रूम में है और वो वहाँ बेड पे लेटे फोन चला रहा है और अपनी कनिया से बात कर रहा है, और उसी रूम के बाथरूम के फॉल्टी गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगा, तो कुछ मिनट्स के अंदर आपका दोस्त स्लो होने लगेगा। और सबसे अजीब बात, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि वो स्लो पड़ रहा है। उस बेचारे को कोई अंदाजा नहीं होगा कि अगले 20 मिनट के अंदर वो बेहोश होकर मर जाएगा। अंदाजा भी नहीं होगा, इस लाइन पर ध्यान देना, मतलब आपके दोस्त की आंखें धीरे धीरे ऐसे होने लगेंगी और हल्का सा हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, लेकिन ये नॉर्मल थकान के सिम्टम्स लगेंगे और आपके दोस्त को सोने का मन करेगा। ध्यान देना, सोने का मन करेगा, नथिंग वायोलेंट, एकदम नॉर्मल सिचुएशन लगेगी। और वो धीरे धीरे जमाई लेगा, लेट जाएगा, सो जाएगा और फिर मर जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ना गंध होता है, ना ही इस गैस को इंसान देख सकता है। वो गैस रूम में आ गया है ये जानना ही इंसान के लिए नामुमकिन है। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स बढ़ने के चलते इंसान के ब्रेन में ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लगता है। मायो क्लिनिक के अनुसार रूम में जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगता है तो ब्लड में ऑक्सीजन घुलने के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड घुलने लगता है। तो होटल रूम में आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि आपके दोस्त का दिमाग स्लो हो गया, और स्लो होने के वजह से उसको पता ही नहीं चल पाया कि वो मर रहा है। आपके दोस्त को स्लीपी फील हुआ और 20 मिनट के अंदर सब खत्म। ध्यान देना, यू गेट स्लीपियर एंड स्लीपियर।
until you die without realizing anything because the part responsible for realization will also become slow. और इस बात को सोचकर बड़ा ही अजीब लगता है कि इस गैस का गंध या रंग ना होने के चलते लिटरली अभी आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा. इनविजिबल मॉन्स्टर, अदृश्य दानव. ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाली घटना फैक्ट्रीज में होती है जहाँ पर अलग अलग तरह के मशीन्स लगे रहते हैं, पर घर में मौजूद रिस्क के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है. आपके किचन के गैस स्टोव में फॉल्ट होने के चलते ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल सकता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि घर का किचन प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखो. खिड़की है किचन में तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो गैस निकलता भी है किसी कारण से तो वो बाहर चला जाएगा, एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा. और बाथरूम के गीजर का क्या सॉल्यूशन है? देखो, ज्यादातर लोगों के घरों में इलेक्ट्रिकल गीजर होता है. अगर आपके घर में जो पानी गर्म करने वाला गीजर है वो बिजली से चलता है तो नो रिस्क, जीरो रिस्क. बिजली से चलने वाले अप्लायंसेस से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने का सवाल ही नहीं उठता. लेकिन अगर गैस गीजर है जो बिना बिजली के चलता है, जो आज के समय में भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाले घटना का रिस्क बढ़ जाता है. अब बाथरूम तो बंद जगह होती है, वेंटिलेशन तो बहुत कम होता है, इसलिए अगर पानी गर्म करने वाले गैस गीजर में फॉल्ट हुआ और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगा तो फिर बच पाना मुश्किल है. अगर आपके घर में गैस गीजर है तो हर 3-4 महीने पे उसको चेक करवाते रहना चाहिए. और अगर बिजली से चलने वाला गीजर है तब तो बेफिक्र रहो. मुझे लगा कि जिन लोगों को नहीं पता उनको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और इसलिए ये फैक्ट मैंने आपको सबसे पहले बताया. फैक्ट नंबर 2, देखो जिस तरह चाइना का बर्ताव भारत के प्रति है, जिस तरह बॉर्डर में इनकी हरकतें हैं, ये दोस्त के कैटेगरी में तो 1% भी नहीं आते. 0.2% दोस्त होंगे. भले ही ऑफिशियल मीटिंग्स में तो चेहरे पे बड़ी बड़ी स्माइल हो, पर अगर चाइना के बारे में बात करें तो ये देश कितना एडवांस्ड है वो हम नहीं इग्नोर कर सकते. ये देश तो तगड़ा है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी और कई सेक्टर्स में चाइना बहुत आगे है. आपने उन वायरल रील्स को जरूर देखा होगा जिसमें चाइना के रोड पर एक इंसान खड़ा रहता है और ऊंची ऊंची इमारतें रहती है, लेकिन कुछ देर बाद वो ये दिखाता है कि वो 20वें फ्लोर पे था. असल ग्राउंड तो अभी भी नीचे है. बहुत सारे सेक्टर्स में चाइना सिर्फ इंडिया से आगे ही नहीं, कई देशों से भी आगे है. आने वाले टाइम पे चाइना को भारत पीछे छोड़ देगा, इस बात पे लगभग हर इंडियन कॉन्फिडेंट है. पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बावजूद भी दुनिया में कोई खास इज्जत नहीं है चाइना की. जी हाँ, आपने सही सुना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये जो इतनी बड़ी मशीन है जो 2400 घंटे धरती का चक्कर लगा रही है, इसको बनाया था अमेरिका, जापान, रशिया और यूरोप ने मिलकर. और कोई भी देश का एस्ट्रोनॉट गवर्नमेंट से बात करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकता. सबको विजिटिंग अलाउड है, कई देशों के एस्ट्रोनॉट्स जाते भी हैं. भारत से एक कॉल जाएगा अमेरिका में, वो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के स्वागत में पहले से ही खड़े हो जाएंगे. लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी चाइनीज नागरिक या एस्ट्रोनॉट अंदर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए. आपको पूरी दुनिया में एक भी ऐसी फोटो नहीं मिलेगी जिसमें कोई चाइनीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हो. उनके लिए पूरी तरह से बैंड है. इनफैक्ट सिर्फ मुंह जुबानी बैंड नहीं है, बल्कि 2011 में एक बिल पास किया गया था अमेरिका में जिसे की उल्फ अमेंडमेंट कहते हैं, जिसका विकिपीडिया पेज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. और इस बिल के अनुसार किसी भी चाइनीज को अलाउ नहीं किया जाएगा स्पेस स्टेशन में, और ना ही कोई स्पेस डील या अग्रीमेंट किया जाएगा उनके साथ, क्योंकि सबको डर था कि अगर हम चाइनीज के साथ मिलकर काम किए तो ये कहीं देश का इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को चुरा न ले. ज्यादातर देशों को ट्रस्ट इश्यूज है चाइना से, लेकिन इसके बाद चाइना भी नहीं झुका और 10 साल के मेहनत के बाद साल 2021 में इन्होंने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, और वो भी एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पेस स्टेशन. और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही इफिशियंट टेक्नोलॉजी से इसको बनाया है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ऊपर चाइना का स्पेस स्टेशन टियांगोंग है और नीचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
और वायर्स की मात्रा देख ही सकते हो आप। ये फोटो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मुझे याद है। चाइना ने ये चीज करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। यूएस और रशिया के बाद चाइना तीसरा देश बन गया अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला। मतलब चाइना ने बता दिया कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनने में चाइना की बड़ाई जैसी लग रही होगी, लेकिन जो है सो है। सिर्फ सीखने के लिए, लर्निंग के पर्पस से हम इनके ऊपर झांक सकते हैं। वैसे अब तो भारत भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS। लेकिन इसको आने में अभी 11 साल है, 2035 के आसपास लॉन्च होगा ये। 2035 आते आते मैं 35 साल का मर्द बन जाऊंगा, यंग लड़के से मर्द, तब भी शायद वीडियो बना रहूंगा। अगर यूट्यूब रहा तो आप भी शायद मर्द या फिर गर्ल हो तो लेडी बन चुकी होगी। तब बाई चांस ये वीडियो कहीं से भी आपको मिल जाए तो, अगर ये साल 2035 है मेरे भविष्य के व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे पता है साल 2035 हो चुका है और लगभग 11 साल पहले का आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन आई होप 2035 में भारत का अपना स्पेस स्टेशन अच्छे से काम कर रहा होगा। कर रहा होगा तो कमेंट करो। चलो फ्यूचर मैसेज बन गया। फैक्ट नंबर 1, दान या किसी भी शुभ काम में जब पैसे दिए जाते हैं, तब चाहे वो पैसा 10 रुपए हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो या 1000 क्यों ना हो, सब में 1 रुपए ऐड किया जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मान लो एक इंसान ने किसी भी शुभ काम या दान में 1 रुपए नहीं जोड़ा और फ्लैट 100 रुपए दे दिया, तो इस घटना को अपशगुन यानी बैड लक देने वाला क्यों कहा जाता है? पहले तो ये जान लो कि शगुन शब्द का अर्थ होता है कोई भी शुभ काम, यानी कोई भी पॉजिटिव काम, यानी कोई भी खुशहाली से मना हुआ इवेंट। और इसमें क्या क्या आता है? शादी, पूजा, दान दक्षिणा और भी कई चीजें आती है। सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं जो आपके साथ कभी ना कभी होनी है या फिर हो चुकी होगी, जो कि किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पल होता है, यानी शादी। शादी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब भी शादी में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां 1 रुपए इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि शादी एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें दो आत्मा आपस में जिंदगी भर के लिए जुड़ रहे होते हैं। शादी के बाद दो लोगों की जीवन की क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है कि दोनों के बीच में टुगेदरनेस कैसा है। तो एक जोड़े को जो भी मिले वो ऐसा होना चाहिए जो स्प्लिट ना हो पाए, टूट ना पाए, आधा ना हो पाए। मतलब क्या? मतलब मान लो किसी ने उस जोड़े को 100 रुपए दिया लिफाफे में, तो इस 100 रुपए को 50-50 रुपए में वो दोनों पति पत्नी आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी आधा कर सकते हैं। 100 एक इवन नंबर है, पर अगर वो 101 रुपए होगा तो वो ऑड नंबर बन जाएगा, एक ऐसा नंबर जिसको आधा करने पे राउंड फिगर नहीं आता, फिर पॉइंट वाला झमेला आ जाएगा। अब इस चीज को आप डायरेक्टली मत लेना कि 101 रुपए को तो 50.5 करके दोनों स्प्लिट कर सकते हैं ना। भाई यहाँ पर प्रथा के जरिए डिपिक्ट क्या करने की कोशिश की जा रही है उस पे ध्यान दो। जैसे अगर मैं शादी में किसी जोड़े को 101 रुपए देता हूँ, इतना कम तो नहीं देता हूँ किसी को, एग्जाम्पल, तो मेरी साइकोलॉजी ये रहेगी कि ओ न्यूली मैरिड पति पत्नी, मैं समाज का इंसान हूँ और मैं आपको लिफाफे में 101 रुपए दे रहा हूँ, और क्योंकि समाज का कल्याण तभी होता है जब एक पति पत्नी एक बन के रहे, तो ये 101 रुपए तुम दोनों का है और तुम दोनों साथ मिलकर ही इसका इस्तेमाल करना, दो शरीर एक जान की तरह, और अगर तुम चाहो भी तो ऑड नंबर होने के चलते एग्जैक्ट हाफ ना हो। यही थॉट के चलते शादियों में 100 रुपए के साथ 1 रुपए को जोड़कर कपल्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं पूजा पाठ। पूजा के एंगल से देखते हैं, जब पूजा होती है तो ये एक शुभ कार्य होता है, तो इसमें जब भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो तो 1 रुपए ऐड करके देना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने 100 रुपए दिया तो 100 रुपए में लास्ट में 0 आता है, 0 से एंड होता है और 0 का अर्थ होता है एंडिंग, खत्म, 0। और वही किसी ने 100 रुपए के बदले 101 रुपए दिया पूजा में, तो ये 1 से अंत होता है, 1 का अर्थ होता है एक नई शुरुआत। कंप्यूटर्स में भी बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 होता है, 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन। तो 100 रुपए में 1 रुपए ऐड करके ऐसा नंबर बना दिया जाता है जो 0 से खत्म ना हो, जिसका अंत 1 से हो। अंत भला तो सब भला। 1 रुपए ऐड करने का लॉजिक अब देखते हैं। दान यानी डोनेशन। दान के समय में भी आपने मम्मी पापा से ये सुना होगा कि ले बेटा 101 रुपए चढ़ा दे यहाँ पे, तो यहाँ पर 100 रुपए के साथ 1 रुपए इसलिए ऐड किया जाता है ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि हर 1 रुपए की कीमत होती है, हर 1 रुपया वैल्यूएबल होता है। मतलब
मतलब मान लो आप करोड़पति हो या अरबपति हो, तो ये जो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी इसका बेस क्या है? इसका बेस है 1 रुपए। एट द बेसिक लेवल 1 रुपए जुड़ जुड़कर आखिरकार 1 करोड़ बन जाते हैं। वैसे ही आपके पास कितना भी बड़ा घर या विला क्यों ना हो, एक एक ईंट जुड़ जुड़कर इतना बड़ा महल बनता है, तो उस एक ईंट की भी कीमत है। तो वैसे ही पैसों के मामले में 1 करोड़ रुपए में मौजूद हर 1 रुपया का अपना वैल्यू है और हर 1 रुपए का रेस्पेक्ट करना चाहिए। 1 रुपया एग्जिस्ट करता है तभी ना 1 करोड़ रुपया एग्जिस्ट करता है, 1 ईंट एग्जिस्ट करता है उसके चलते ही ना इतना बड़ा महल है। तो 1 रुपया का भी अपना सम्मान है, ये दिखाने के लिए 1 रुपया जोड़ा जाता है, चाहे वो लाखों का डोनेशन क्यों ना हो। अब इस 1 रुपए वाले फैक्ट को अगर आप देखोगे तो ये उतना साइंटिफिक नहीं है, बस एक गहरा इमोशनल मतलब है। शादी में पति पत्नी को साथ रहने का मैसेज देना, पूजा पाठ में 1 रुपए दे के नई शुरुआत को डिपिक्ट करना और डोनेशन में हर 1 रुपए का रेस्पेक्ट करना, यानी किसी भी चीज में 1 रुपए ऐड कर देना, ये बस एक सीख देने का तरीका है। ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपए देने से वो पति पत्नी कभी जिंदगी में लड़ेंगे ही नहीं, या फिर 1 रुपए ऐड करने से पूजा का शुभ असर होने ही लगेगा, या फिर 1 रुपए ऐड करने से डोनेशन के वैल्यू में कोई फर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बस सीख और पॉजिटिविटी को फैलाने का एक तरीका मात्र है। तो ये था 1 रुपए के पीछे मौजूद एक पॉजिटिव लॉजिक। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।